हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, न्यूटन का गति का प्रथम नियम पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम चलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ, न्यूटन का गति के दूसरे नियम की ओर। तो इस लॉ को पढ़ने के लिए हमें उससे पहले एक टर्म के बारे में पता होनी चाहिए, और वो टर्म है संवेग, दैट मीन्स मोमेंटम। कि संवेग क्या होता है, जब तक हमें संवेग के बारे में पता नहीं चलेगा, हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आज समझेंगे कि संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। तो संवेग होता क्या है, किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो गति कर रहा है तो उसके अंदर कितनी गति की कितनी कुल मात्रा उपस्थित है। इंग्लिश में अगर हम कहें तो हम ये भी बोल सकते हैं द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट, या द पावर ऑफ मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। कि एक ऑब्जेक्ट में मोशन की कितनी पावर है, वही उसकी क्या हो जाएगी, मोमेंटम, संवेग हो जाएगा। उसके बाद देखो, जो संवेग है उसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि संवेग क्या होता है। इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी एक वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल वस्तु के संवेग को दर्शाता है। ठीक है, तो इस संवेग को समझने के लिए हम दो तीन एग्जांपल्स लेते हैं, ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि संवेग होता क्या है। तो सबसे पहले देखो, एक बुलेट होती है, ठीक है, जो गन जब चलाते हैं तो उसमें से एक बुलेट आती है। तो एक छोटे से बुलेट क्या कर सकती है, एक आदमी को मार भी सकती है। क्यों मार सकती है, क्योंकि वहां पर जो एक छोटे से बुलेट है उसका मास तो हालांकि कम है, बट उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा। ज्यादा वेलोसिटी होने की वजह से उस बुलेट का मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। दैट मींस वहां पर उसका पावर ऑफ मोशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। संवेग ज्यादा हो जाएगा, उस बुलेट के अंदर गति की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसीलिए वो जिस भी इंसान को वो बुलेट लगेगी, वो उसको उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। सेकेंड चीज, एक व्हीकल आता है, एक गाड़ी आती है, अगर वो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, अगर उसका वेग ज्यादा है, तो ज्यादा वेग होने की वजह से हालांकि जो गाड़ी है उसका मास, उसका द्रव्यमान भी ज्यादा है और उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है, उसका वेग भी ज्यादा है, दोनों चीजों के ज्यादा होने की वजह से उस व्हीकल का, उस गाड़ी का मोमेंटम, संवेग भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और संवेग अगर ज्यादा है, दैट मीन्स उसके पास पावर ऑफ मोशन भी क्या है, ज्यादा है। इसीलिए जो भी इंसान या कोई दूसरा व्हीकल उसके आगे आ जाएगा, तो वो उसको उतनी ही ज्यादा इंजरी करेगा। तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं, अगर कोई पत्थर डायरेक्टली आकर हमें लगता है, तो अगर वो जितनी ज्यादा स्पीड से उस पत्थर को फेंका जाएगा, जितने ज्यादा वेग से उस पत्थर को फेंका जाएगा, वो पत्थर हमें उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी के ज्यादा होने की वजह से उस वस्तु का जो मोमेंटम है, जो संवेग है, वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और अगर उसका मोमेंटम ज्यादा है, संवेग ज्यादा है, दैट मींस उसके पास पावर ऑफ मोशन भी क्या हो गई, ज्यादा होगी। और जब पावर ऑफ मोशन ज्यादा है, तो नुकसान भी हमें क्या पहुंचाएगा, ज्यादा पहुंचाएगा। अब इसको फॉर्मूले के थ्रू देख लेते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि संवेग क्या होता है, वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो जो मोमेंटम है, जो संवेग है, किसके बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल पी से, इक्वल टू द्रव्यमान एम इनटू वेग वी। तो आपका संवेग का फॉर्मूला क्या आ गया, एम वी, दैट मींस मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। अब यहां पर देखो, अगर हम बात करें कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एम वी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास या द्रव्यमान, इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, इनटू जो वेलोसिटी है, जो वेग है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये मोमेंटम का क्या बन गया, एसआई यूनिट यहां पर बन गया। अब देखो, साइंस में दो टर्म्स आती हैं, एक आती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक आती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब जैसे एक फॉर्मूला है, हम बात कर लेते हैं चाल के फॉर्मूले की। चाल के फॉर्मूले क्या होता है, चाल का फॉर्मूला दूरी बटे समय, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब देखो, अगर मैं अलग अलग लिखना चाहूं, इसका मतलब चाल क्या है,
इस दूरी के समानुपाती है और चाल इस समय के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, चाल दूरी के समानुपाती है, दैट मीन्स स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसमें चाल क्या है, समय के व्युत्क्रमानुपाती है, दैट मीन्स स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। सिंबल दोनों के सेम है, बट यहाँ पे क्या लिखा, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब ये है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है कि चाल तो जैसे यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन इसके सामने जो भी टर्म है वो डिवाइड में है। ठीक है, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसमें देखो, चाल के बिल्कुल सामने दूरी लिखी हुई है, ये डिवाइड में नहीं है, इसीलिए ये इसके क्या है, समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर दूरी बढ़ेगी तो चाल भी बढ़ जाएगी, दूरी घटेगी तो चाल भी घट जाएगी। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है, समय अगर बढ़ता है तो चाल घट जाएगी और अगर समय घटेगा तो चाल बढ़ जाएगी। तो अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। इसका फॉर्मूला क्या है, पी इज इक्वल टू एम वी। इसका मतलब क्या है कि जो मोमेंटम है वो m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो मोमेंटम है वो इस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज होता है तो उसका मोमेंटम भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास घट जाता है तो उसका मोमेंटम भी घट जाएगा। सेम इधर, वेलोसिटी बढ़ती है मोमेंटम बढ़ जाएगा, किसी वस्तु का वेग बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ जाएगा, अगर वेग घटेगा तो संवेग भी घट जाएगा। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस प्रकार से एक वस्तु के संवेग में परिवर्तन आता है। अब देखो, मैं कहती हूं हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ए है एक बी है। हम कहते हैं कि पहले केस में इसका जो मास है वो एम है और इसका मास क्या है, एम, मतलब दोनों का मास क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी v, और इसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। तो इस केस में मोमेंटम, संवेग किसका ज्यादा हो जाएगा, जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा है उसका संवेग क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहाँ पर संवेग किसका ज्यादा हो जाएगा, b का। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हम क्या कहते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट का वेग क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर हम कह देते हैं इसका जो मास है, द्रव्यमान है, वो ज्यादा है और बी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान क्या है, कम। तो इस केस में मोमेंटम किसका ज्यादा हो जाएगा, ए केस का, ए का, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम है बट मास किसका ज्यादा है, ए का। तो जिसका मास ज्यादा है उसी का क्या हो जाएगा, मोमेंटम ज्यादा। अब थर्ड केस लेते हैं, थर्ड केस में हम दोनों चीजें अलग अलग कर देते हैं, इसकी वेलोसिटी कुछ और है, उसकी वेलोसिटी कुछ और है, इसका मास कुछ और है, इसका मास कुछ और है। अब बताओ इस केस में मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसी का मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन दोनों के वेलोसिटी मास का प्रोडक्ट करती हूं, अगर वो यहां इसके वेलोसिटी और मास के प्रोडक्ट से ज्यादा आ जाए तो इसका जो मोमेंटम है, जो संवेग है, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहूँ इसकी वेलोसिटी 10 है, इसका मास 20 है, उसकी वेलोसिटी 15 है और इसका मास 5 है, तो यहाँ पर इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, 200, और यहाँ पर इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, 75, 75। तो किसका संवेग ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर, ए का, क्योंकि इसका संवेग कितना आ गया, 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हम चलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो वहां पर वस्तु का संवेग कितना होगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो बच्चे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मास इंटू वेलोसिटी, संवेग का फॉर्मूला क्या था, द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान तो कुछ तो होगा बच्चे उसका, वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो किसी भी नंबर को जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर कितना ही आता है, जीरो। तो यहाँ पर मोमेंटम क्या आ जाएगा, जीरो। संवेग कितना आ जाएगा, शून्य। दैट मींस अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका संवेग कितना हो जाएगा, शून्य। दैट मींस अगर इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन स्टेशनरी पोजिशन देन द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो। तो एक चीज और ध्यान देना,
ज्यादातर जो इफेक्ट होता है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है, डिपेंड तो दोनों पे करता है, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका मोमेंटम भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए जब व्हीकल्स मूव करते हैं, और वो व्हीकल्स कई बार क्या होता है, बहुत हाई स्पीड से आते हैं, एक्चुअल में व्हीकल्स का मास भी बहुत ज्यादा होता है, द्रव्यमान भी ज्यादा होता है और वेलोसिटी भी ज्यादा होती है, और दोनों चीज की बहुत ज्यादा होने की वजह से जो आगे अगर इंसान आ जाता है उसको इंजरी भी उतनी ज्यादा होती है, चोट भी उतनी ज्यादा ही लगती है, इवन कुछ केसेस में वहां पर डेथ भी हो जाती है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि व्हीकल की मास और वेलोसिटी ज्यादा थी, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम ज्यादा हो गया। मोमेंटम मतलब पावर ऑफ मोशन, पावर ऑफ मोशन बढ़ गई, इसी वजह से उसने उतना ज्यादा ही उसको क्या कर दिया, हिट कर दिया। अब एक चीज ध्यान देना, हमने अभी तक देखा वेलोसिटी क्या है, जीरो, बट अगर तुम ये भी कह सकते हो कि वेलोसिटी कुछ और मास जीरो हो जाए तब भी तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा, लाइक दिस p इज इक्वल टू m इनटू v। अगर मैं कहूं वेलोसिटी कुछ है, मास क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब भी मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। बट ध्यान देना, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मास कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मोमेंटम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे कि मोमेंटम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, अ स्टोन दैट हैज 20 किलोग्राम मास, और उसको 4 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, एंड दैट स्टोन इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, उसका संवेग ज्ञात कीजिए, फाइंड द मोमेंटम ऑफ दैट स्टोन। तो इस केस में स्टोन का मास कितना है, 20 किलोग्राम, द्रव्यमान कितना है, 20 किलोग्राम, वेग कितना है, 4 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी क्या है, 4 मीटर पर सेकंड, संवेग का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम क्या है आपका, मास इनटू वेलोसिटी। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, मास कितना है, 20 किलोग्राम इनटू वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 80 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये ऑब्जेक्ट का क्या आ गया, मोमेंटम आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप और न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मोमेंटम को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे और न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।